बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल जो होता है ना, रेस्टोरेंट में जैसे कढ़ाई मटन कढ़ाई बनती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने ये 2 kg मटन ले लिया है, रान का मैंने गोश्त लिया है, रान के गोश्त से बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनती है। तो आ जाए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं कढ़ाई किस तरह से बनाने लगी। हाँ जी, बर्तन हमने ले लिया है। अब जो 2 kg मटन है वो इसमें शामिल करेंगे। टेबलस्पून लहसुन का डालेंगे। बर्तन ये देखें ठंडा है एज यूजुअल। ये मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा है, इसलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। तो अभी इसके नीचे चलाएंगे आग। 1 tablespoon नमक का हसबे ज़रूरत आप डाल लीजिएगा। अब नीचे जलाएंगे इसके आग। इसको जी मिक्स करेंगे और गोश्त जो पानी छोड़ेगा उसको भी खुश्क कर लेंगे। हाँ जी, ये तरीक़ाकार में उन लोगों के लिए है जो कहते हैं जी गोश्त में एक, मैं बदबू नहीं कहूँगी, खुश महसूस किस्म की एक खुशबू होती है गोश्त की, वो उन्हें आती है तो उनसे गोश्त खाया नहीं जाता। तो ये तरीका जो है वो बेस्ट तरीका है। इस तरीके से जो गोश्त का पानी होता है वो पहले खुश्क हो जाता है। खुश्क होने के बाद लहसुन के साथ जब आप इसकी बुनाई करते हो तो गोश्त की जो मखसूस खुशबू होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आप मज़े से इसको खा सकते हो। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो मुझे मैसेज करते हैं, मेरा ख्याल है वो इस तरीके से अब बनाएंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखें जी, गोश्त ने काफ़ी अपना पानी छोड़ दिया और इसी पानी को हमने खुश्क करना है। ये देखें जी, गोश्त का जो पानी है वो देखें, ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया। अब यहाँ पे 1 cup देसी घी शामिल करेंगे और इस गोश्त को दोबारा से भून लेंगे घी के साथ। यहाँ पे जी ये प्याज है, इसका वजन 200 ग्राम है, 2 medium size के प्याज हैं, वो शामिल करेंगे। ये 400 ग्राम ये टमाटर हैं, वो शामिल करेंगे। ये जी 400 ग्राम में से तकरीबन मैंने ये थोड़े से टमाटर बचा लिए। हाँ जी, ये टमाटरों के मैंने छिलके उतार लिए थे, छिलके उतार के मैंने इसको क्यूब में काटा है और थोड़े से टमाटर मैंने इसमें से बचा लिए, मैंने सारे 400 ग्राम में ही डाले। ये जी 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं, लंबाई में काट ली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। 1 tablespoon सुरख मिर्च, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1 teaspoon अदरक की पेस्ट है ये, 1 teaspoon हल्दी। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि नमक मिर्च आपको कम लगती है, आपने अपना जैसे आप खाना बनाते हो आपने अपने हिसाब से नमक और मिर्ची इसमें ऐड करनी होती है। हम लोग जितनी खाते हैं मैं उतनी आपको बता देती हूँ, लेकिन आप अगर तेज़ मसाले का खाते हैं तो आप इसमें तेज़ मिर्च शामिल कर सकते हैं, तो आपने अपने हिसाब से इसमें ऐड करना होता है। कढ़ाई कई तरीके से फिर बनती है कि ये तरीका नहीं है, वो तरीका नहीं है, सिर्फ मैं आपको हर दफ़ा कहती हूँ कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। गोश्त तो कई तरह के लोग कई तरह के गोश्त इस्तेमाल करते हैं, कोई दुम्बे का करता है उन्हें स्मेल आती है वो नहीं खाते, ये वाला, इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। इसलिए हमने इस चीज़ को ना अपने तरीके से अपने अंदाज में ला के अपने टेस्ट के हिसाब से हमने बनाना होता है। अगर आपको मैं यही शेयर करती हूँ कि अगर आपको मेरा टेस्ट पसंद आता है तो आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर किया करें, अगर आपको पसंद आती है, आपके लिए मेहनत करती हूँ, आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना होता है। और इसको अगर आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन लाजमी प्रेस किया करें। हाँ जी, प्याज और टमाटर को तकरीबन मैंने 10 मिनट यहाँ पर भून लिया है। अब इसमें हसबे ज़रूरत यानी कि जितना आपका गोश्त गल जाए जिस पानी में वो पानी आपने शामिल करना है, मैं इसमें 4 glass यानी कि 1 jug पानी का शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
हाँ जी, एक और आप लोगों का सवाल होता है जी, ये चीज़ इस तरह से नहीं बनती, इस तरह से नहीं बनती, पहले बनती थी और तरीके से बनती है। पहले लोग लकड़ी पे खाना बनाते थे, ठीक है, उनका तरीक़ेकार और होता था, लेकिन आप जैसे जैसे आप देखें ना, जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है, हमारे तरीके भी बदलते जा रहे हैं, उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे तरीके से जो चीज़ जितनी ऐसे अच्छी, अब मतलब मसला ये होता है, मतलब ये होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, आपका एक्सपेरिमेंट जितना ज़्यादा मज़े का बन जाता है, उस चीज़ को आप और मज़े का बना सकते हो। आप वो दूसरों को वो रेसिपी शेयर कर दो, इसका मकसद ये होता है, चेंज करने का मकसद ये होता है कि अगर आपकी रेसिपी चेंज करने से और ज़्यादा मज़े की बन रही है तो आप उसमें चेंजिंग लाओ। ये नहीं कि एक ही तरीका है जी, ये इसी तरीके से बनेगा, नहीं। मैं चेंज करती रहती हूँ और आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ अपने तरीके। हाँ जी, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद जो है हमने इसकी फ्लेम जो है मीडियम टू स्लो कर देनी है, और मैंने जितना भी काम किया है ना भूनने का, वो मैंने मीडियम टू स्लो फ्लेम पे किया है, मैंने हाई पे नहीं किया। आपने पानी खुश करना है, आपने प्याज भूनना है, आप मीडियम टू स्लो फ्लेम पे करो। अभी भी मैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसको गलने के लिए रख दूंगी, तो ये तकरीबन कम अज़ कम 45 मिनट लेगा गोश्त। तो 45 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। अरे मज़े आ जाएंगे, मैं कहता हूँ अभी वो 45 मिनट का टाइम लगा के ना लीना खुद तो चले गई आराम करने, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा हम लोग चेक ही करें, थोड़ा सा टेस्ट ही करते हैं यार, जरा देखिए कहाँ तक पहुँचा है यार ये। ओए ओए लो जी, चेक करते हैं जरा, ये चीज़, अरे बड़े मज़े आने, अरे क्या ज़बरदस्त पकाई हो रही है। मैं कहता हूँ यार कोई दो बोटियाँ तो निकाले ज़रा। तकरीबन ये ना 20 से 25 मिनट हो गए ये इस तरह पकड़ा है अभी स्लो आग पे। तो मैं कहता हूँ यार, अरे यार क्या, ये मच्छी की बोटी चेक करते हैं ज़रा, ये मच्छी की बोटी और साथ में ना एक आधी ये साथ में ना ये पुट की बोटी भी आए, साथ में थोड़ा सा ना ये आए, थोड़ी सी रौनक भी होनी चाहिए ना यार, ये आ ही ना जाएगी ऊपर से फटाफट। मैं तो कहता हूँ ट्राई कर ही लेते हैं। लो जी अब इसको कवर कर लेते हैं। नहीं जी, बोटी चेक करते हैं कि कितनी की गल गई है, मेरे ख्याल अभी 50% गली होनी है। आए ओए यार, मैं कहता हूँ अभी भी यार वाह यार बड़ा ज़बरदस्त माहौल बन गया यार ये तो भी। ओए होए होए कलर चेक करो यार, ये अब जो खाने का मज़ा आना ना, आए खाए खाए खाए, ये जो हल्की हल्की टाइट टाइट गोश्त होता है ना, इसका अपना ही फ्लेवर होता है, निकालते पकते पकते निकाल के जब बंदा खाए ना, लो जी गरम गरम आए। ओए होए 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 लो जी चला ये, अब चेक करके बताता हूँ कैसा है। आए खाए यार। यार इस टाइम पे भी बोटी निकाल के खाने का ना अपना ही मजा है। मैं आला यार, अभी इतना ज़बरदस्त जायका है ना कि जब ये तैयार होगा ना मज़ा ही अपने, इससे पहले कि यार वो आ ना जाए। यार मैं वैसे ज़रा, ये तू चेक करने के लिए आया कि क्या कर यार, ये मैंने एक बोटी वैसे निकाली है, ये नहीं तू ले रही है, एक पड़ी है मछली की, ये तू खा ले यार, ला ले। काम है यार, मैंने वैसे तुझे कोई काम है कि पकती हुई हांडी यार 2 किलो गोश्त दो यार, इसकी गल ही यार कहने वाली अल्लाह की कसम यार की हो गया, ये क्या तरीका है कार है, ये क्या तरीके का है, तो में चखना होता है, एक बोटी होती है, तूने दिए दो बोटियां निकाल दी यार, 2 किलो गोश्त थे की हो गए ने बीचो से, 2 बोटियां निकल गई यार, तू इतना सीरियस क्यों है ना यार, की हो गया, अरे तू ले ले यार, तू मुंह च ना ले, तू पहले एक बोटी यार तू खा ले यार, ला ले ना इतनी गाली यार, चल पीछे हो जा।
पीछे हो जा, मुझे चेक करने दे, मैं खुद ही चेक। यार एक यार गुस्सा करने वाली कोई गल है, बंदा पूछे। तुझे चेक करने के लिए मैंने भेजा था कि खाने के लिए भेजा था। तो क्या हो गया, दो पुटियां निकाल के खा लिया तो की हो गया यार, थोड़ी देर यार उन्नी भी इज्जत कर लिया कर यार। तेरी इज्जत है वे, चल थोड़ी क्या है बोटी खान जोगी। गल गया गोश नहीं, उन्नी भी कसर है उन्नी। तो बस अभी इसको तेज करना है ना आपको है? हाँ, फ्लेम अगर हो गया तो फिर तेज कर देते हैं। नहीं नहीं 10 मिनट जरा इसी आग में पकने दे जरा, ना नहीं ना बर्दाश्त हो तो नोट फल ले। हो गया हो गया मच्छी की बोटी हो गया हो गया। अच्छा चेक तो कर सी दादे। हाँ सही है, हड्डी चूसेगा अपनी और कर ले। नहीं ना बर्दाश्त होया उधरों बंदा पूछे सड़े ना मुंह। मैं तो उतों तो गया सी मच्छी की बोटी फल ला बाकी चुकी ले गई यार, तो तरीका तो नहीं गा उधरों दे दे तेरा एक और किन्नी जाती है वैसे यार दे दे एक बिचो। शकल देखी हो? आहो ये देखे जी, घी लैदा और मसाला लैदा हो गया है। अब यहाँ पे ये दो चार इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची है, ये मैंने हल्की सी कूट ली है, ये इसमें शामिल कर लेंगे। टीस्पून सूखा धनिया, एक टीस्पून ज़ीरा, एक टीस्पून ये गरम मसाला, आधी टीस्पून काली मिर्च मिक्स करेंगे। यहाँ पे 150 ग्राम ये दही है, ये शामिल कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे आपने फुल रखनी है। ये देखें जी, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको दही को भून लिया अच्छी तरह से। अब यहाँ पे ये 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, वो शामिल कर देंगे। जो टमाटर हमने बचा लिए थे वो शामिल करेंगे। 2 अदद हरी मिर्चें कच्ची ये भी शामिल करेंगे, और ये धनिया मैंने थोड़ा सा काटा है, धनिया शामिल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको कवर करना है, और 5 मिनट का हमने मीडियम स्लो फ्लेम पे इसको ना हमने दम लगा देना है। तो 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। ये देखें जी, 5 मिनट का दम जो था हमने लगा दिया था, ये चेक करें आप। सच्ची में दिल करता है ये इत्थे ही रोटी बंदा फड़े तो इत्थे ही शुरू हो जाए। ये देखें जी, अब निकालते हैं बर्तन में, एक बारी आ गई बर्तन की, और आप ये देखें इतनी इतनी ना हल्की हल्की ना मसाला होना चाहिए कढ़ाई में, तभी मज़ा आता है, नहीं तो सूखी सूखी कढ़ाई जो होती है ना थोड़ी मज़े की नहीं लगती। कढ़ाई में ना हमेशा मसाला होना चाहिए। आप बाज़ार से भी खाने जाते हो तो आप चेक करते हो कि उसमें कढ़ाई जब आपके आगे आती है तो उसमें मसाला होता है। ये जी, अब शाहिद साहब आपको खा के बताएंगे। हाँ जी, भूख मुझे बहुत लगी है, हमेशा की तरह बात वही कि इसके नखरे ड्रामे, तो मैं अपना खाना अलहदा से निकाल रही हूँ। बोटी में कुछ चंगिया चंगिया फाड़ जो आप सेपरेट कर ले। मैं आपको बताऊँ कि आजकल बरसात है, आप नींबू का जितना इस्तेमाल कर सकते हो खाने के साथ आप करो, क्योंकि आजकल आपको पता है वो डायरिया वगैरह हो रहा है लोगों को, वॉमिट होती है, तो आप जितना नींबू का इस्तेमाल करेंगे ना कि आपके लिए बहुत बेहतर है।
तो ये मैंने इसलिए अलहदा किया है कि शाहिद साहब नींबू नहीं डाल के खाते है, तो मैं नींबू डाल, हाँ तो नहीं खाता, अपना अपनी 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 च्वाइस है। तो मैंने क्या यार, बंदा पहले उस तरह टेस्ट कर लेता, तुमने पहले आधी नींबू डाल दिया उसमें। अच्छा चल खाओ, उन जो तू ड्रामे करने ने ना, और ड्रामे नहीं की गल है यार, बंदा पहले उसको फ्लेवर तो देता है। सब में गोश भी हजम करना एक काम होता है। हाँ नींबू वाला खा के फिर दादे मैं भी अपनी फिर नींबू के साथ अपना एक मजा है। रोगनी कुलचे कड़े ने, रोगनी मैंने तो घर का वो बनाया फुलका, और एज यूजुअल साइड चाय साहब नान तंदूरी रोटी बस। तो ना खाऊं, अपनी अपनी चॉइस होती है बेटा, चेक कर ये हस्ता मोल लेगी नहीं तो ना। इतनी मजे की, इतनी मजे की बनी है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। मैं कहता हूँ जी आपको, मैं नान चेक करें, इधर आए इधर ये चेक करें, इधर ले जी रोगनी तिला ले कुलचे कह लो नान कह लो चेक करो जरा। मैं कहता हूँ आप जो मजे आने ना, आए खाए खाए चेक करे जरा क्या, मैं कहता हूँ नरम मोल फुल फुल नरम। लो जी हुन केरी बोटी फड़ा केरी फड़ा केरी फड़ा केरी फड़ा, ओए ओए नली दी बोटियां, ओए फड़ो ओए नली दी बोटी फड़ने, अज नली फड़ो यार, ओए 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 चेक करा तो आपको ये चीज है, ये आप चेक करो जरा, इसको कहते हैं मैं कहता तो सही टेंडर हुआ वेब काम। तो अब जो मजे आने हैं ना, हुए हुए हाथ मेरे फुल कांप रहे हैं, क्योंकि गर्म ही बड़ा फुल गर्म हो रहे यार, जरा जरा मैं कहता तो मसाला क्लियर, ये चीज ये मैं कहता तो फुल जिसे कहते हैं ना मुलायम मसाला, वो यार वो बूटी आया, ओए होए 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 ये चीज, ओए होए मैं कहता हूँ अब कंट्रोल नहीं हो रहा यार। लो जी चली जे आया हा आया हा। आप चेक करें कि ये ना जब शेव करता है ना मुंह भी रोगनी कुलचा नहीं लगता, आपने कमेंट करके बताना क्या रोगनी कुलचा नहीं लगता यार। इस टाइम फिर वही गल, ये मुँह जिस तरह जायका है इस टाइम सह लै लै तंदूर की सरी रोटी जी मुँह के बीच जायका, लोगों की नसा च जायका होंगे यार। अभी यार मैं कह रहा हूँ जो ये बना गई है ना, आए यार मैं आपको क्या बताऊँ, ये ना देखो जरा बातें सुन लो, अब इसने मुझे क्या कह रही है रोगनी कुलचा, बातें जरा सुन लो, खुद देखना जरा, सड़ी बाकरखानी नहीं होंगी तंदूर की सड़ी बाकरखानी एह जी जे हूँ इन्हें भी कह देना जरा, हूँ मेरे पिछे ना पैन लो जी फिर खाना पका हो ना तो फिर इंतजार नहीं होता इसके, तो थोड़ा मसाला पा बस अभी ने डाली मुझे, मैं अपनी मर्जी से डालूंगी अब ना मुझे कुछ थोड़ी तड़ी पाओ, नहीं नहीं तो ना सही यार कभी मेरे स्टाइल में खा लिया कर, हमेशा अपने टिकरीका बनाई जानी है दवा बुड़की बना के, स्टाइल अपना ही होना चाहिए। और जा पता होता नहीं तेन एक बोटी के पिछे अद्धा घंटा जलाते स्टाइल अपना अपना, आओ स्टाइल अपना अपना बड़ा देखो ए नली वो नली तो मैं कहना जी नली दे अपनी मजे ने यार। मैं पता जी तू फाड़ लेंगे, मैं ऐसे नहीं बड़ा बड़ा सुटन की कीती है, मैं भी फाड़ दी, मैं दो तीन खा बैठी हूँ पहले ही है। हाँ जी तो मैं कितने था, मैं नहीं पता कितने था, तो मेरी भाई तो बड़ा छापा मार रहा सी, बातें सुनो तो राइस की मेरी बारी देखो किस रही है, तू पकाता है नहीं पका रहे हैं ना, उसी ने चखना है ना, ऐ सुन लो ना अपने मुंह मार के विच नलियां फारक कर गए जा तीन चार, मैं वही कह रहा मैं कहा कट कट कम लग रहे हैं, तो मैं कहता हूं जी उन्ना टाडी ना सिर्फ हमला कर सकना, मैं नहीं कर सकती यार, मेनू की पता कि तू पकांदे पकांदे कितना कुछ फारक कर गई है, सिर्फ तू ही हमला कर सकना है। ले फिर यार इतना नींबू ना पाई जा, थोड़ा उस तरह भी टेस्ट कर, तेन मजा तो ले यार, मैं कहना जरा चेक कर स्पेशल बेल्ट लेना चेक कर देना बोटी
इतनी कमाल की है, मज़े की इतनी कमाल की बनी है ना कि आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपने नहीं ट्राई की तो आप मिस करोगे यार, आप बाद में मिस करना, पहले ज़रा बाइट लेते हैं स्पेशल। हाय 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 हाय, केरी बोटी पड़ा ते केरी पड़ा, ऐ नहीं उसमें है कहना कि टेंच ऐ सामने पई हुई है, ऐ पढ़ो ऐ हाय हाय हाय। क्या यार मैं कहता हूँ पूरी पिचड़ी है, तो ये देखो ये चीज़, ये ओए 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 हो, मैं कहता हूँ यार क्या ज़बरदस्त। अब यहाँ से कहीं से ना मसाला पकड़ते हैं, ये ओए 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 ऐसे ओए सड़ गया। साथ में थोड़ा सा यार ये ज़रा जूसी भी कर दें, थोड़ा और मसाला, ये मसाला थोड़ा और, ओए 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 साथ में ना ये हरी मिर्च, ओए 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 ओ कितने गई, लो जी ते हुण जिहड़े मज़े आने हैं ना, लो फिर थोड़ी जी बोटी और फड़ो इधरों, ये फुल लोडेड काम करना है, ए लो ते मैं कहना है स्पेशल बाइट दा हुण जिहड़ा मज़ा आना ना, आए हाय इधर तूफान आया, अबे ऊपर से उसने हमला कर दिया यार, बारो ले देखी तो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मैं कहता हूँ जो ओके बाय, क्योंकि अब या स्कूल से खाना खाते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तुम ना ही मिलो, ओके बाय। मैं कहता हूँ जो ये स्पेशल बाइट है ना, आला आला, और ये ऊपर से निक्की जी बाइट उड़ गई है, मैं कहता हूँ ये आपने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी यार, आप वाकई दुआएं दोगे, जो ये चीज़ बन गई है ना पैसे पूरे हैं, ओह आला बाय। यार मैं आप नहीं होके बाय कह सकता, बाय नहीं मैं कहता, फिर मैं उन्हें ना पेड़ मुकानी है, फिर उनकी करना ही ओके बाय। मैंने पूछी तनी ना लाई बाय, मैं तेनु कह रहे नहीं कुछ नहीं कह रहे बाय, चल बाय। यार ये जरा टाड़न है ना, बस समझा करो यार, बाय बाय। ओए चुप कर जा। अच्छा ओए मैं अजी जरा गला साफ किया कि आवाज की खुजी निकल दी है यार, ओके यार टाटा बाय बाय। यार ये देखा ना, बड़ी कोशिश करता हूँ पर नहीं चलती इसके आगे पुलवान के, ओके यार टाटा बाय बाय।